तो प्रकृति व्यवस्था बात करेंगे और दिखता है कि प्रकृति में चार अवस्थाएं हैं। ये थोड़ा सा इसको लिखने में व्यवस्था न कहकर इसको अवस्था कहना ठीक है। चार अवस्थाएं हैं, तो परस्पर पूरकता का संबंध है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे अभी। तो अभी हम लोगों ने मानव का अध्ययन कर लिया, परिवार का किया, समाज का किया, प्रकृति का अध्ययन करेंगे और इससे स्पष्ट होगी प्रकृति मेरी भागीदारी क्या है। तो प्रस्तावना यह है कि हमने अभी तक अपनी सहज स्वीकृति को जांचने समझने का प्रयास किया और दिखता है कि हमारी जो सहज स्वीकृति है वो संगीत पूर्वक, सामंजस्य पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक जीने के क्रम में है। व्यक्ति के स्तर पर देखें, परिवार के स्तर पर देखें, समाज के स्तर पर देखें, परंतु एक प्रश्न बन जाता है कि चाहते तो हम संबंध पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक जीना, बट जो पूरी प्रकृति है उसमें इसका प्रोविजन है कि नहीं, इसका प्राविधान है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि नेचर का डिजाइन ही गड़बड़ है, कि हम चाहते हैं रिलेशनशिप नेचर के डिजाइन में स्ट्रगल है, हम चाहते हैं हारमोनी नेचर के डिजाइन में डोमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है और कई बार ये मान्यता बन जाती है लोगों के अंदर कि नेचर का डिजाइन ही गलत है। इनफैक्ट पशु पक्षियों को देखकर, पेड़ पौधों को देखकर ऐसे निष्कर्ष हम निकाल लेते हैं जो हम मनुष्यों पर आरोपित कर देते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, बड़ा पौधा छोटे पौधे को खा जाता है, तो मनुष्य भी ऐसे ही है। अब ये बहुत मेजर इशू है, इसको हम लोग कभी अगर आगे आप रिफ्रेशर वर्कशॉप में आएंगे या हायर लेवल वर्कशॉप में आएंगे तो और विस्तार से बात कर पाएंगे, अभी तो संक्षेप में बात करेंगे इस पर। तो ये एक प्रश्न बन जाता है कि प्रकृति अस्तित्व में हमारी सहज स्वीकृति के अनुसार जीने का प्राविधान है कि नहीं, क्या एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में संगीत पूर्वक जीना संभव है, क्या सह अस्तित्व परस्पर पूरकता प्रकृति में अंतर्निहित है, अथवा जो प्रकृति या अस्तित्व की रचना है वही विरोध पूर्वक है, संघर्ष पूर्वक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अनुसार है। अब हम इन प्रश्नों के साथ प्रकृति अस्तित्व का जो पूरी बनावट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न है जो लोगों की कल्पनाशीलता में रहता है, बहुत बड़ी प्रीकंडीशनिंग है, ये बहुत बड़ी मान्यता है। ये मैंने देखा बच्चे भी आपस में ऐसी बात करते हैं, वयस्क भी ऐसी बात करते हैं। तो नेचर को समझना इसलिए बहुत जरूरी है। और जो बात हम लोग कह रहे थे ना कि जब तक हम नेचर को ठीक से ना समझे, अपना भोजन जो हम रोज लेते हैं उसको भी समझना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भोजन प्रकृति से आता है। अगर प्रकृति की समझ ना हो तो भोजन की समझ कैसे होगी, क्या भोजन है क्या नहीं है, किसको हम भोजन कहें किसको नहीं कहेंगे। तो हम लोग प्रकृति को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रकृति देखें तो इकाइयों का समूह है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, मिट्टी, पशु पक्षी, ये सब मिलकर प्रकृति बने हुए हैं। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, धातु, अधातु, है ना, ये सारे यूनिट्स हैं। हवा में इतने सारे कण हैं, पानी में इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, मिट्टी में इतने सारे कण हैं, इतने सारे पशु शरीर हैं, पशु हैं, है ना, मैं हूँ, आप हैं, ये सब इकाइयों को देखें, इनके समूह को जोड़कर प्रकृति कह रहे हैं। अब अगर इन इकाइयों को समझने जाए तो कैसे समझेंगे, तो एक सरल सा तरीका है कि उनको कुछ कॉमन आधारों पर हम कुछ अवस्थाओं में बांट सकते हैं। तो चार अवस्थाओं में इनको बांट के देखा जा सकता है। एक है फिजिकल ऑर्डर यानी पदार्थ अवस्था, जिसमें मिट्टी, हवा, पानी, धातु, अधातु, इस तरह की चीजें शामिल है। दूसरा है बायो ऑर्डर, प्राण अवस्था, जिसमें पेड़ पौधे, है ना, इस तरह की चीजें शामिल है। तीसरा है एनिमल ऑर्डर, जीव अवस्था, जिसमें कि आपके पशु पक्षी ये शामिल है। और चौथे हम लोग। तो पूरी प्रकृति को समझा जा सकता है। प्रकृति में इकाइयां तो अनंत हैं, परंतु इन अनंत इकाइयों में बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन है, जिसके आधार पर पूरी प्रकृति को समझा जा सकता है। तो पूरी प्रकृति का अध्ययन किया जा सकता है। अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि प्रकृति में परस्पर पूरकता का संबंध है। इसको तो कई बार हम लोग करेंट जो हमारा स्कोप ऑफ स्टडी उसमें पढ़ाते हैं, एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ाते हैं कि प्रकृति में परस्पर पूरकता का संबंध है। जैसे अगर पदार्थ अवस्था प्राण अवस्था को देखें तो दिखता है कि परस्पर संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और किस प्रकार पूरकता है, तो एक चक्रियता दिखाई देती है। पेड़ पौधा कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से ना खड़ा हुआ, मिट्टी से। पेड़ पौधा एक समय के बाद वापस मरकर वापस मिट्टी में मिल गया, तो चक्रियता है। पेड़ पौधे से मिट्टी ज्यादा उपजाऊ बन, जहाँ जंगल होंगे, जहाँ पेड़ पौधे होंगे, वहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होगी, और जहाँ ज्यादा मिट्टी उपजाऊ होगी वहां पेड़ पौधे ज्यादा जन्म लेंगे। तो चक्रियता भी दिखाई देती है और दिखाई देता है कि एक इकाई दूसरी इकाई को समृद्ध करती है। मिट्टी पेड़ पौधे को समृद्ध करता है, पेड़ पौधा मिट्टी को समृद्ध करता है।
तो प्रकृति में एक परस्पर पूरकता का संबंध दिखाई था। परस्पर पूरकता का मतलब क्या हुआ? परस्परता भी है, पूरकता भी है, साथ साथ जुड़े हुए हैं। मिट्टी और पेड़ पौधे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के लिए पूरक है। एक महत्वपूर्ण बात है ये। उसको और थोड़ा सा देखेंगे तो अगर हम पशु पक्षियों को भी जोड़ ले तो यहाँ भी यही चीज दिखाई देती है कि मिट्टी हवा पानी जो है पेड़ पौधे को पुष्ट करते हैं। ये पेड़ पौधों को पशु खाते हैं। अब पशु का जो फीकल मैटर होता है, जो उनका वर्ज्य पदार्थ होता है, वापस मिट्टी हवा पानी में जाता है, जिससे मिट्टी हवा पानी पुष्ट होता है, जिससे पेड़ पौधे पुष्ट होते हैं और एक चक्र बना हुआ है। नहीं, आप एक जंगल को देखिए, जंगल अपने आप से हरा भरा रहता है। जैसे आपके यहाँ मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के जंगल है, आप मध्य प्रदेश में ही होते हैं ना, सतपुड़ा के जंगल। जी हम लोगों ने कविता पढ़ी थी क्लास 7 या 8 में, सतपुड़ा के घने जंगल, धस सको तो धसो इनमें, है ना। इतने घने जंगल हैं और एक जंगल को देखिए तो अपने आप से हरा भरा रहता है। अब छत्तीसगढ़ में चले गए कहलाए। अच्छा, अब छत्तीसगढ़ में हो गए। तो हर जंगल को देखें तो उसमें तीन अवस्थाएं मिलेंगी, और अपने आप से हरा भरा रहता है और एक दूसरे को पुष्ट करते रहते हैं। प्रावलंब तब आती जब मनुष्य आ जाता है यहाँ पे। अब इन तीन अवस्थाओं को देखें तो तीनों अवस्थाएं हमारे लिए पूरक हैं। हमारी बहुत सारी आवश्यकता ये मिट्टी हवा पानी धातु अधातु इनसे पूरी होती है। अगर घर में अपने सामान को उठा के देखें तो सब पदार्थ अवस्था से आए हुए हैं। पेड़ पौधे से हमको बहुत कुछ मिलता है, भोजन मिलता है, पानी है, भोजन मिलता है, और इससे हमको शरीर के पोषण करने के लिए आवश्यक सुविधा मिलती है। पशु पक्षियों के साथ हमारा एक आवश्यकता पूरा होता है, ये हमारे लिए पूरक होते हैं। परंतु यदि हम अपनी भागीदारी को देखें तो मनुष्यों ने पदार्थ अवस्था को छीन कर दिया है, हवा को प्रदूषित कर दिया है, बहुत सारे खनिज लवण अब मिलते ही नहीं है। 2009-10 की बात है, मुझे ध्यान है कि उस समय कई फैक्ट्री जो है प्रोडक्शन को रोकना पड़ा, क्योंकि स्टील मिलने बंद हो गए थे। स्टील का जितना प्रोडक्शन हो सकता है देश में, है ना, उससे ज्यादा कंजम्पशन हो रहा था। अभी भी जितना कंजम्पशन हम कर रहे हैं वो कई बार ऐसा लगता है कि ओर्स कम हो गए हैं, तो अभी दूसरे देशों से मिनरल ओर्स लेने की बात हो रही है। तो हमने इनको छीन कर दिया है, रिसोर्स डिप्लीशन कर दिया है, प्रदूषण कर दिया है। पेड़ पौधों की हालत तो देख ही रहे हैं हम कि जो फॉरेस्ट का कवरेज है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। ऐसा बताते हैं कि कम से कम 17 या 18% होना चाहिए फॉरेस्ट कवरेज, ताकि हवा शुद्ध रहे। अभी कई जगहों पर उससे भी कम हो गया है। भूटान में बता रहे हैं कि अभी जो फॉरेस्ट कवरेज है वो 70% से ऊपर है, 72 या 73% है। और अभी इस पे विवाद चल रहा है क्योंकि फॉरेस्ट के नीचे वहां पे कहीं कोई बॉक्साइट का ओर मिला है, और सरकार इस बात पे विमर्श कर रही है कि इस बॉक्साइट के ओर को निकाला जाए। अगर निकालेंगे तो कई स्क्वायर किलोमीटर जंगल तबाह हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम जीव अवस्था को देखें तो मनुष्यों ने मार मार के, है ना, बहुत सारे जीव जंतुओं को तो एक्सटिंक्ट ही कर दिया है। अगर आप रॉयल बंगाल टाइगर को देखें तो 1901 में इनकी संख्या 50,000 थी, 2001 में इनकी संख्या घटके 2,000 से भी कम हो गई थी। अभी सरकार ने थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है तो इनकी संख्या बढ़कर करीब 3,000 के आसपास आई है। तो हमने इनको एक्सटिंक्ट कर दिया है। तो मानव को अपनी भागीदारी देखें तो परस्पर पूरकता का अर्थ में नहीं है। तो पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, इन सब के लिए देखें तो ये तीन अवस्थाएं जो है ना, ये हमारे लिए ज्ञान अवस्था के लिए पूरक है, समृद्धि कारक है। परंतु मानव जो है, जो ज्ञान अवस्था की इकाई है, समझ के अभाव में बाकी सब अवस्थाओं के लिए ये नुकसानदेह हो गया है, पूरक नहीं हो पा रहा। इनको भी छीन कर रहा है, आपस में भी लड़ मर रहा है, कट रहा है। परंतु मानव में जो सहज स्वीकृति है वो परस्पर पूरकता के लिए ही है। एक बार मानव को समझ में आ जाए बात तो अपने लिए भी पूरक हो सकता है, बाकी सारी अवस्थाओं के लिए पूरक हो सकता है। भैया आवाज कुछ ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी आवाज आ रही है भैया? क्लियर आवाज, क्लियर आ रही है भैया? अभी जी किससे आ रही है? अगर हमको बात समझ में आ जाए ना तो ये जितना उपकार कर सकते हैं उससे बहुत ज्यादा उपकार हम कर सकते हैं। जैसे चींटी से लेकर हाथी तक कोई पौधे लगा नहीं सकता, हम पौधे लगा सकते हैं। एक किताब है जिसका नाम है द मैन हु प्लांटेड ट्रीज। बताते हैं उत्तरांचल में एक व्यक्ति ने अकेले 30 स्क्वायर किलोमीटर में पौधे लगा दिए, जंगल बना दिया, एक मैदान को जंगल बना दिया। इतना मनुष्य तो काम कर ही सकता है। एक बार आपका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं।
हमें सहज रूप से क्या स्वीकार है? चार स्तर की व्यवस्था में परस्पर पूरकता के साथ जीना या अन्य तीन स्तरों की व्यवस्था पे हावी होना, उनका शोषण दोहन करना, और क्या हम जीने में परस्पर पूरक हैं? आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। तो अगर हम इन अवस्थाओं का अध्ययन करें तो दिखाई देगा कि चार अवस्थाएं हैं। पदार्थ अवस्था में सिर्फ दो ही तरह की क्रिया दिखाई देती है, पहचानना और निर्वाह करना। जैसे अगर हम मिट्टी, हवा, पानी को देखें, है ना, धातुओं को देखें, अधातुओं को देखें, सिर्फ पहचान निर्वाह करना है एक निश्चित तरीके से। जैसे हमने आयरन ओर को निकाला, उसको गलाया, तो एक निश्चित टेम्परेचर पे वो मेल्ट करता है, तो 7,500 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट करेगा। तो हमने उसको मेल्ट कर दिया उसको, फिर उसको हमने, है ना, निकाल कर उससे स्टील बनाया, स्टील का फर्नीचर बनाया। अब वो सब एक निश्चित ताप दाब पे हो रहा है, एक निश्चित आचरण है, हवा के बहने का एक निश्चित आचरण है। कैसे? पहचानने के आधार पर। हवा ज्यादा दबाव से कम दबाव की ओर बहेगा, हल्की हवा होगी तो ऊपर की ओर उठेगी। अभी क्या हो रहा है, सिंपली एक पहचाना निर्वाह करना है इसमें। अगर पेड़ पौधों को देखें तो यहाँ भी पहचाना निर्वाह करना है, जिस तरह से पौधा पनपता है मिट्टी में, जिस तरह से पौधा वृक्ष बनता है, वृक्ष बन के वापस मिट्टी में मिल जाता है, तो पौधा जिस तरह से मिट्टी से खनिज लवण चुनता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो दो इकाइयों के बीच में एक परस्पर संबंध है पेड़ पौधे और मिट्टी में, उसको पहचानता है, उसको निर्वाह करता है। जीवों को देखें तो यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ मानना भी है और पहचान निर्वाह करना भी है, क्योंकि यहाँ पे एक मैं भी, एक शरीर भी है। तो पशु पक्षियों को देखें तो वहां मैं भी दिखाई देता है। यहाँ पे मैं जैसी इकाई नहीं है, सेल्फ नहीं है, यहाँ पे मैं जैसी इकाई नहीं है, यहाँ है। कैसे पता लगता है? क्योंकि मैं मानने की क्रिया दिखाई देती है। जैसे आप एक कुत्ते के बच्चे को घर में ले आइए और उसको नाम दे दीजिए टॉमी, वो नहीं पहचानता इस शब्द को, फिर आपसे टॉमी कहकर उसके ऊपर हाथ फेरिए, उसको खाने को दे दीजिए, ऐसा दो बार तीन बार या दो दिन तीन दिन करते हैं, अब वो पहचान जाता है। जैसे आप टॉमी बोलते हैं, दौड़ कर आता आपके पास, पूंछ हिलाता है, उसने मान लिया है कि जब ये आवाज पे दौड़ के आएगा तो उसको खाने को मिलेगा, तो उससे एक आवाज से एक संबंध पहचान लेता है वो। अभी कहाँ हुआ? मानने में हुआ, उसने टॉमी शब्द को मान लिया कि टॉमी शब्द मेरा नाम है। आप एक पौधे को लगा दीजिए, उसको नाम दीजिए टॉमी, चार बार बोलिए, पांच बार बोलिए, उसमें रिस्पॉन्स नहीं आएगा, है ना, वैसे घर की दीवारों में रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बट कुत्ते के बच्चे में आता है। वही आप बोल रहे हैं तो दुम हिलाएगा, आएगा, गोद में बैठेगा, कोई बाहर के व्यक्ति बोलेगा तो भौंकेगा। अभी मानना है, वही आवाज है, आप बोलते हैं तो दुम हिलाता है, आपके पास आता है, वही आवाज अगला व्यक्ति बोलता है तो भौंकता है। अभी क्या है? मानना है, सिर्फ पहचानना नहीं है, इसमें मानना जुड़ गया, ये मेरा अपना है, बाकी वो पराया है। अगर मनुष्य को देखें तो मनुष्य में भी मैं और शरीर दिखाई देता है, जिसका हम अध्ययन कर रहे थे। और ये जो मानने की क्रिया से ही स्वयं यानी मैं की, है ना, होने का पता लगता है कि मैं वहां पे उपलब्ध है, मैं मौजूद है, विद्यमान है। अगर मनुष्य की बात करें तो वहां भी मानना, पहचानना, निर्वाह करना दिखाई देता है, और साथ में जानने की क्षमता भी दिखाई देती है। जैसे अभी हम जो काम कर रहे हैं, जानने काम कर रहे हैं, कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, मैं के अंदर हो रहा है, शरीर तो साधन की तरह काम कर रहा है। तो कोई इकाई पदार्थ अवस्था की है या प्राण अवस्था की है या जीव अवस्था की है, ज्ञान अवस्था की है, उसको समझा जा सकता है। और आपको दिखाई दे कि जो पदार्थ अवस्था है जैसा वैसा बना रहता है, परंतु जो प्राण अवस्था है उसमें ग्रोथ होता है। जैसे आप एक मंजिला मकान बना के चले गए, 5 साल बाद लौट के आए, तो आपकी उम्मीद नहीं होती है कि एक मंजिला मकान जो है वो 2 मंजिला हो जाए, क्योंकि मकान में ऐसा ग्रोथ तो होता नहीं है। परंतु एक पौधा लगा दें और 4 दिन बाद देखें पौधे की ऊंचाई उतनी की उतनी है, तो लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि पौधा मरता जा रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करेगा, तो छोटा सा पौधा वृक्ष बन जाता है, तो यहाँ ग्रोथ दिखाई देगा। यहाँ के अगर देखें तो पशु के शरीर में ग्रोथ दिखाई देगा, मनुष्य के शरीर में ग्रोथ दिखाई देगा, परंतु साथ में ये क्रियाएं दिखाई देंगी, मानना, पहचान, निर्वाह करना। यहाँ भी दिखाई देगा मानना, पहचान, निर्वाह करना, बट साथ में जानने की क्षमता भी दिखाई देगी। तो बाकी तीन अवस्थाओं को समझने के लिए मानव में सही समझ का होना आवश्यक है, अन्यथा जैसा हम अपने बारे मान लेते हैं, अगर हमने अपने आप को शरीर मान लिया तो बाकी सारे प्रकृति को भी हम अपने जैसा मान लेते हैं कि जड़ है, जबकि यहाँ जड़ है, यहाँ जड़ है, यहाँ जड़ और चैतन्य दोनों है। तो मुख्य बात तो ये चैतन्य जो मैं है ना, इसको समझना है। इसको समझते हैं तो जड़ भी समझ में आता है और बाकी इकाइयां भी समझ में आती हैं। नहीं समझते हैं तो उनका अधिमूल्यन, अवमूल्यन, अन्यथा मूल्यन सब करते रहते हैं।
तो अभी प्रकृति को समझने के अभाव में हमने बहुत सारी समस्याएं पैदा कर ली, तो संसाधन का अभाव कर लिया है। संसाधन का अभाव मतलब रिसोर्स डिप्लीशन। तो जिस दर से हम प्रयोग कर रहे हैं उस दर से प्रकृति में पैदा नहीं हो रहा। जैसे हमने इतना सारा पेट्रोलियम निकाल लिया, कंज्यूम कर लिया, धुआं बना दिया, वापस नहीं पेट्रोलियम तो पैदा नहीं हो रही धरती में कि नहीं। हमने इतना सारा आयरन ओर निकाल लिया, बॉक्साइट निकाल लिया, हमने उसका प्रयोग कर लिया, धरती में तो पैदा नहीं हो रहा, तो उसका अभाव हो गया। दूसरी सब बड़ी समस्या जिसको प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण मतलब क्या हुआ कि उत्पादित वस्तु ही ऐसी कि वापस प्रकृति के चक्र में नहीं जाती। जैसे अगर हम देखें एक न्यूक्लियर रिएक्टर में जो रिएक्शन हो रहा है, यूरेनियम 238 को 236 बना दिया है ना, उसके दो प्रोटॉन बाहर आ गए। अब ये जो यूरेनियम 238 से 236 बना दिया, अभी वापस 238 नहीं बन सकता, ये ए साइक्लिक प्रोसेस हो गया, ये भी प्रदूषण। इसलिए न्यूक्लियर वेस्ट अपने आप में एक बड़ा प्रोडक्ट रिस्क है, क्योंकि एक तो ए साइक्लिक है, दूसरा उसके क्रम में जो रेडिएशन आता है उससे बहुत सारे स्वास्थ्य की कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। दूसरा तरीका है प्रदूषण का कि उत्पादन की जो गति है वो प्रकृति के चक्र में वापस जाने की गति से ज्यादा है। जैसे हम जितना धुआं पैदा करें, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अब वो धरती में वापस नहीं जा रहा, प्रकृति में उसी गति से वापस नहीं जा रहा। जी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? सीमा जी ने अनम्यूट किया है। उसी गति से वापस नहीं जा रहा, ये भी प्रदूषण है। यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, पिछला एक रिफ्लेक्शन लिया था कि क्या हमें सहज रूप से स्वीकार है। तो गीता की चार अवस्थाओं के साथ परस्पर पूरकता के साथ जीना ज्यादातर लोगों ने यही कहा है। और क्या अभी जीने में पूरक है? तो ज्यादातर लोगों ने कहा नहीं, अभी पूरक नहीं है। एक रिफ्लेक्शन और लेते हैं आपका। तो आज हम अपने आसपास जो समस्याएं देखते हैं, जैसे वनों की कटाई, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इतना बढ़ जाना 410 ppm, जबकि सामान्य रूप से 250 होना चाहिए, ग्लेशियर का पिघलना, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ये सब प्राकृतिक समस्याएं हैं और विज्ञान में पहले से ही इनकी स्पष्टता है, या मानव निर्मित समस्याएं हैं, हम पैदा कर रहे हैं समस्याओं को, समझ की कमी कारण। इस पर अपने विचार रख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अगर हम पूरी प्रकृति को देखें तो दिखाई देगा मात्रा के रूप में अगर तो सबसे अधिक पदार्थ है। जैसे पूरी धरती के अंदर का हिस्सा देखें, पूरा पदार्थ है। धरती के सतह पे कहीं कहीं पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों के बीच कहीं कहीं पशु पक्षी हैं, और सबसे कम हम हैं। अब प्रत्येक अवस्था की जो निर्भरता है वो पिछली सभी अवस्थाओं पर होती है। जैसे अगर हम अपने को देखें, हमारा जीना जीवों पर भी निर्भर है, पेड़ पौधों पर भी निर्भर है, पदार्थ पर भी निर्भर है कि नहीं। जीवों का जीना पेड़ पौधों पर निर्भर है, पदार्थों पर निर्भर है, पेड़ पौधों का पदार्थों पर निर्भर है। तो अगर हम इन तीनों को नष्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड कौन होंगे? हम ही होंगे। ऐसा बताते हैं कि अगर जितने भी टिड्डे कीड़े मकोड़े हैं विश्व भर में, धरती पूरी धरती पे, अगर ये नष्ट हो जाए पूरी तरह से, तो मनुष्य के लिए 5 दिन से अधिक जीना मुश्किल होगा। ये टाइम्स ऑफ में एक रिपोर्ट है, तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ 5 दिन से अधिक जीना मुश्किल होगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ी भागीदारी है प्रोडक्शन में, इनकी बहुत बड़ी भागीदारी है स्टोरेज में। तो अगर हम मानव को देखें, ज्ञान अवस्था को देखें, तो उसका जो अस्तित्व है बाकी तीनों अवस्थाओं पर निर्भर है। अभी स्थिति ऐसी हो गई ना, जैसे एक कहानी बताते हैं ना कि पारंपरिक कहानी है कि एक व्यक्ति, मतलब कुछ लोग मिलकर गए कि धरती का सबसे मूर्ख आदमी कौन, उसको ढूंढ के लाते हैं। तो जब जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है, एक डाल पे बैठा है, और जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है। उन्होंने कहा इससे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब अगर हम देखें तो पूरी ज्ञानावस्था है जो मानव समाज है वो ऐसी हो गया है, हम इन डालों पे बैठे हैं, इन्हीं को काट रहे हैं, पशु पक्षियों को खत्म कर रहे हैं, पेड़ पौधों को खत्म कर रहे हैं, मिट्टी हवा पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, और अल्टीमेटली क्या हो गया, समस्या कौन भोग रहे हैं? हम ही भोग रहे हैं। कोरोना की समस्या कहाँ से आ गई? हमने पैदा की है। ये प्रदूषण इतना खराब हो गया, हमने तैयार किया है। जी अच्छी बात है, सभी लोग कह रहे हैं कि मानव निर्मित समस्याएं हैं। एक नया रिफ्लेक्शन लेते हैं आपका। तो क्या मैं देख सकता हूं कि मेरा अस्तित्व इन तीनों अवस्थाओं पर निर्भर है?
आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं यहाँ पे। और क्या मैं अपने कार्य करते हुए बाकी तीन अवस्थाओं के पोषण के लिए कुछ कर सकता हूँ, इस पे आपने विचार रख सकते हैं। तो सभी अवस्थाओं का निश्चित आचरण है, मनुष्य को छोड़कर यानी ज्ञान अवस्था को छोड़कर, सही समझ के भाव में। मानव में भी देखे तो शरीर का आचरण निश्चित है, ये जो सारी अनिश्चितता है वो मैं में है। क्यों है? बिना जाने मान लेना, गलत मान्यताओं का कारण। तो जानना को सुनिश्चित करना ये मानव के लिए मूलभूत आवश्यकता है, समझना मानव के लिए मूलभूत आवश्यकता है। और मनुष्य के पास स्वाभाविक रूप से जानने की सह स्वीकृति भी है, क्षमता भी है, ताकि व्यवस्था में जी पाए, और उसके लिए शिक्षा संस्कार की जरूरत है। यानी कि समझे बगैर न तो हम अपने लिए पूरक हो पाएंगे, न हम दूसरी इकाइयों के लिए पूरक हो पाएंगे। और वही होगा फिर कि इतना रिसर्च करो कि धरती छोड़ के दूसरी धरती पर जा बसो। तो आज के लिए जो असाइनमेंट है वो ये है कि प्रकृति के साथ परस्पर पूरकता को सुनिश्चित करने के लिए किन्हीं 5 कार्यक्रमों का उल्लेख करें जो हम टेकअप कर सकते हैं, एक व्यक्ति के रूप में, एक संगठन के रूप में, एक समाज के एक भाग के रूप में। और आप सभी, एक वीडियो है ये ऑल गोर ने बनाया है, जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट था, 2005 में बनाया था उसने, बट शायद यूट्यूब से हटा लिया है, परंतु हो सकता है इसका आपको कुछ क्लिपिंग्स मिल जाए देखने के लिए। एंड इनकन्वीनियंट ट्रूथ, इसको देख सकते हैं कि पिछले 70 सालों में ही धरती क्या दशा हुई है, कैसे ग्लेशियर पिघलते चले गए हैं, कैसे समुद्र का तल उठता चला गया है, कैसे जंगल कम होते चले गए, और ऐसे कैसे कैसे समस्याएं आ रही हैं, साइक्लोन्स है ना, या तूफान, ये बाढ़ या लैंडस्लाइड, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं जो वास्तव में देखें तो मानवकृत है। तो अगर पूरी बात को समअप करें तो 4 अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। इन्हें परस्पर पूरकता का संबंध दिखाई देता है, इन 4 अवस्थाओं में परस्पर पूरकता का संबंध होता है। जी धीरेन्द्र भैया ने कहा है कि उनके पास फिल्म है, तो कोई भी अगर चाहे तो भैया से ले सकते हैं। पहले 3 अवस्थाएं अगर देखें तो एक दूसरे के साथ परस्पर पूरक हैं और मानव के लिए भी पूरक होती हैं, और मानव को सभी अवस्थाओं के लिए पूरक होना सहज रूप से स्वीकार भी है। तो मानव की भूमिका जो है इस परस्पर पूरकता को समझने के लिए है और उसके अनुसार जीने के लिए है। तो अगर हम इस बात को समझ लें कि प्रकृति में व्यवस्था किस प्रकार है और किस तरह अंतर्निहित है उसमें, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बना ही हुआ है। एक मजे की बात आपको बताते हैं कि ऐसी एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक वैज्ञानिक जो है अपने पार्क में, घर के पास पार्क में टहल रहा था, तो उसने देखा कि एक चिड़िया उड़ रही है और खूब तेजी से उड़ रही है और दाएं बाएं इधर उधर खूब उड़ रही है, और एक गाय जो है वो धीरे धीरे जमीन पर टहल रही है। उसने कहा कि देखो ये गाय कितने काम आती है हमारे, है ना, और इसमें ये क्षमता नहीं कि उड़ पाए, और चिड़िया जो कोई काम नहीं आती, देखो कैसे उन्मत्त होकर आकाश में उड़ रही है। तो अगर मैं प्रकृति को डिजाइन करता तो मैं गाय को उड़ाता और चिड़िया को टहलाता। ऐसा सोच ही रहते तक चिड़िया ने उनके सर पे बीट कर दिया। उनको लगा नहीं, यही डिजाइन ठीक है, अगर गाय ऊपर से गोबर कर दे तो मेरा क्या हाल होता। तो भी कई बार हम ऐसा मान लेते हैं कि प्रकृति का डिजाइन गड़बड़ है, हमको ठीक करना है, परंतु अगर उसको हम समझ पाए है ना, तो प्रकृति के साथ पूरक हो सकते हैं। तो मैंने अपनी बात अभी पूरी की, थोड़ा समय की सीमा थी, बहुत तेजी से हम लोग चले, परंतु अब आपके सारे प्रश्न ले सकते हैं, और 4:25 का समय हो गया है। तो सत्य प्रकाश जी हैं तो उनसे थोड़ी बात सुन लेते हैं, और कोई साथी? जी भैया, मुझे लगता है ठीक है जी, ज्यादा अच्छा होगा कि ये समय हम उपयोग करें, अगर किसी की कोई, क्योंकि आज सत्र काफी विस्तृत था और थोड़ी गति भी तेज थी, तो अगर इस बीच अगर किसी के कुछ मन में कहीं दुविधा हो या किसी पे और स्पष्टता चाहते हो तो वो सवाल करने का समय ज्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग तो बात कर लेंगे। हाँ, मैंने अपनी बात पूरी कर दी है, और आपके लिए मैं वापस लौट के स्लाइड पे जा सकता हूँ। तो अब जो भी प्रश्न बनता है उसको रखें आप अपनी तरफ से, कोई शेयरिंग हो, कोई प्रश्न हो। लंच के पहले तक हम लोग काफी विस्तार से बात कर पाए, और अभी थोड़ा सा अपने को इस प्रकृति वाले में थोड़ा कम समय मिला। इनफैक्ट प्रकृति की व्यवस्था पर ठीक से बात करने के लिए तो अपने को दिन भर का समय चाहिए। इससे जुड़े अभी तो हमने पूरा अध्ययन नहीं किया, एक अवस्था का अध्ययन करेंगे तो और बहुत सारे मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी।
जी सर, मैं चूंकि फिर वो इसी बात पर आऊंगा कि जैसे हमने अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ ली है सही से, मतलब जो सहज स्वीकृति और समझ के साथ कार्य करने लगे तो शायद ही सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी, लेकिन आखिरकार ऐसा बहुत नियरेस्ट दिख नहीं रहा है कि हो जाए, क्योंकि बहुत ही जो परस्पर प्रति जो अपने आप को मतलब आगे लाने का कार्य जो सरकार या देश कर रहे हैं तो इससे तो बहुत जल्दी नुकसान ही हो जाएगा, लेकिन इतने जल्दी कैसे हो, कैसे संभव हो? देखिए एक बात तो ये है ना कि अल्टीमेटली हर आदमी को दिख रहा है कि मेरा जीना बाकी तीन अवस्थाओं पर निर्भर है। ये और बात है कि जैसे कहते हैं ना कि भाई इतने सारे लोग बैठे हैं, सब अपना अपना दाल काट रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले तुम काटना बंद करो तो मैं काटना बंद करूं। अभी देश आपस में ही कर रहे हैं कि भाई तुम पहले प्रकृति का दोहन बंद करो तो मैं बंद करूं। समाज आपस में ही कर रहे हैं। तो अगर ये बात समझ में आ जाए कि हम प्रकृति के साथ पूरा खोकर अपनी आवश्यकता ठीक से पूरी कर सकते हैं, और उसमें क्या है ना, अगर शिक्षा में बात ठीक से चली जाए ये हो सकता है। अभी भी आप देखिए तो पर्यावरण के प्रति जो लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है पिछले 20 वर्षों में, पहले से बहुत अधिक है। अभी कोई अगर जंगल काटे तो उससे बहुत सारा प्रश्न उठता है। अभी अमेजन में आग लगाया गया पेड़ों में, अमेजन बेसिन में, तो पूरे विश्व भर में लोगों ने शोर किया। अभी लक्षद्वीप में कुछ ऐसा हो रहा है तो उस पर बहुत सारा अभी लोग आवाज उठा रहे हैं। तो ये बात तो लोगों को दिख ही रहा है, परंतु अभी लोगों को लगता है अभी समय है, अभी प्रकृति इतनी जल्दी नष्ट नहीं होगी, तो जहां तक और उसको पल्यूट कर सकते हैं, एक्सप्लोइट कर सकते हैं, उसको लोग करने का भी विचार कर रहे हैं। परंतु तो एक समय के बाद दिखेगा कि अगर हम शुद्ध हवा नहीं ले सकते, शुद्ध पानी नहीं ले सकते, शुद्ध भोजन नहीं ले सकते, अल्टीमेटली से फायदा किसका हुआ? जी अभी मंसारी छतरपुर में सारा जंगल कटने वाला है, वहां पे कुछ हीरे का खदान निकला है और शायद उसके लिए पूरे जंगल को 1.5 लाख पेड़ों को काटने की बात हो रही है। अभी सब तो मैं छतरपुर से हूँ जी, मैं कुछ रख सकता हूँ इस संबंध में बात। जी जी बताएं। सच्चाई ये है कि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और 80% जंगल हम खुद साफ कर चुके हैं। चोरी से हमने उसको बेचा है, सागौन बहुत बहुतायत में है, हर घर में चोरी का सागौन लगा हुआ है, फर्नीचर का बहुत बड़ा कारोबार पूरा का पूरा चोरी से चलाते रहे सालों से। अब जब 20% जंगल बचा है तो हम ही लोग अब इस चीज को नेतृत्व कर रहे हैं कि साहब गलत पेड़ काटे जा रहे हैं। ये एक मूल समस्या है कि जब नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में होता है जो सारी की सारी समस्या की जड़ है, तब लोगों का विश्वास कर पाना बड़ा कठिन होता है। इनफैक्ट आप थोड़ा सा इसको अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि एक व्यक्ति अपने पूरे लाइफ टाइम में, ये डेटा साइंटिफिकली स्टडी करके निकाला गया है कि एक व्यक्ति अपने पूरे लाइफ टाइम में लगभग 4 बड़े पेड़ों का प्रयोग करता है। जैसे कि अगर सागौन जैसा पेड़ देखें, मतलब सागौन को तो खैर लगाया नहीं जाता, परंतु नीम का वृक्ष देखें या इस तरह के वृक्ष देखें, 4 बड़े पेड़ों से इतनी लकड़ी मिलती है उतना प्रयोग करता है अपने पूरे लाइफ टाइम में। और आप थोड़ा सा देखिए कि एक व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में कितने पेड़ लगा सकता है। तो हर वर्ष कम से कम 2-4 पेड़ तो लगा ही सकता है, एक श्री यात्रा में 100 पेड़ तो लगा ही सकता है, बट अभी हमारी वो योजना में शामिल नहीं है। अगर उसकी योजना में शामिल कर लिया जाए तो अगर जंगल से हमको मान लीजिए कोई चीज चाहिए, पेड़ चाहिए, तो हम अगर लाते हैं, मतलब ये नहीं कह रहे कि आप सागौन ही काटें, सागौन तो मनुष्य ऐसा बताते कि मनुष्य के लगाने से उगता नहीं है, प्राकृतिक ढंग से उगता है, परंतु यदि हमको कहीं पेड़ या लकड़ी की जरूरत है तो लाएं और उससे दुगना लगा दें, ये जिम्मेदारी हमने नहीं निभाई है। ये मुख्य समस्या है जी, पेड़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं उसे अधिक लगा दें तो आवर्तनशीलता बनी रहेगी। बिल्कुल सही, लेकिन हमने ईंटा भट्टों के लिए जी, बहुत सारी चीजों के लिए इतने ज्यादा, आज हम लगभग जैसे 1.5 लाख पेड़ आज काटे जा रहे हैं, लेकिन हम इसके पहले जो है 40 लाख काट चुके हैं, उसकी हम बात करने तैयार नहीं, उसकी हम जिम्मेदारी लेना तैयार नहीं। वही है, मतलब देखिए तो गलती तो हमारे इन पे हो ही जाती है ना, फिर वो धीरे धीरे गलती बढ़ती चली जाती है। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी सर, मेरा एक छोटा सा अनुभव है, मैं वो साझा करना चाहूंगा।
सर मेरे घर पर एक मटके में पीपल का पेड़ लगा हुआ था, तो मेरे घर वालों की ये मान्यता थी कि पीपल का पेड़ घर पर ज्यादा दिन तक नहीं लगा सकते, और मेरे ही पास में एक शासकीय भूमि पर एक सामाजिक लोगों के द्वारा पार्क डेवलप हो रहा था, तो मैंने मन में ऐसा विचार किया कि क्यों ना इस पेड़ को उस पार्क में रोपित किया जाए। तो मैंने उस पेड़ को वहां पे रोपित किया और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मैंने ली, एक जाली से मैंने उसको कवर्ड किया और मैं अक्सर उसकी देखरेख करता था, लेकिन मैं देखता था कि बहुत सारे लोग उस वृक्ष को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते थे और उसके आसपास गंदगी करते थे। मैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से अक्सर उन लोगों को सहज भाव से समझाने का प्रयास करता था, लेकिन उनमें से कुछ लोग शायद मेरी बात को समझ पाए थे और कुछ नहीं समझ पाए थे, तो वो अक्सर उस पेड़ के आसपास गंदगी किया करते थे। तो मैंने मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक हुई कि शायद मेरा समझाने का जो दृष्टिकोण है वो इन लोगों तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, तो वहां पर मेरी सोच धार्मिक भावना की तरफ बढ़ी और फिर मैंने मेरे दोस्तों के साथ मेरे अंदर जो बात आई उसको साझा करते हुए मैंने कहा कि क्यों ना हम इस वृक्ष के पास एक चबूतरा बना दें और चबूतरे के पास अपन जो है शिव जी की पिंडी को स्थापित कर दें, तो शायद इस वृक्ष के आसपास गंदगी भी नहीं होगी और इसका संरक्षण भी हो पाएगा। तो हम लोगों ने ऐसा ही किया, तो फिर देखने में ये आया कि मैंने जब पर्यावरण के दृष्टिकोण से लोगों को समझाने की कोशिश की तो वो बात उन तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जब मैंने धार्मिक मान्यता के रूप में उस काम को किया तो मैंने देखा कि मोहल्ले के बहुत सारे लोग, महिलाएं उस वृक्ष पे जल चढ़ाने जाने लगी, शिव जी को जल चढ़ाने लगी और वहां पर प्रॉपर सफाई रहते हुए उस वृक्ष का संरक्षण भी प्रॉपर होने लगा, और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज वो वृक्ष अपने पूर्णता की तरफ बढ़ गया है, काफी छाया देता है और मैं जब भी उस वृक्ष के पास से गुजरता हूँ तो मुझे एक हृदय स्पर्श की आनंद की अनुभूति होती है। तो मेरा एक यही अनुभव साझा करने का था कि मैंने सहज पर्यावरणीय के दृष्टि से सहज भाव से जब लोगों को समझाने का प्रयास किया तो उन तक वो बात नहीं पहुंच पाई थी और मैंने उसके धार्मिक मान्यता के रूप में लिया तो शायद समझ पहुंच गई थी। थैंक यू सर, मैं इस पे थोड़ा रिस्पॉन्ड करूंगा अभी, मगर जी फॉर्मली क्लोज कर रहे हैं हम लोग। जी जी, तो समय हो चला है तो फॉर्मली हम लोग सेशन को यहाँ क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के कुछ दूसरे एंगेजमेंट भी, लेकिन आवाज नहीं आ रही भैया। आवाज नहीं आ पा रही जी, फॉर्मली हम लोग कल के बारे में भी अनाउंस कर सकते हैं। हाँ कर दीजिए, मैं थोड़ा बाहर हूँ भैया, बैकग्राउंड नॉइस आएगा, आप कर देंगे अगर, या परीक्षित भैया कर दें। जी परीक्षित भैया जी, सभी को नमस्ते, स्वागत है। और चार दिन की चर्चा में हम लोग ने आज चार स्तर की व्यवस्था तक की चर्चा यहाँ पे आज कंक्लूड करी और अभी फॉर्मली हम लोग सेशन को यहाँ क्लोज कर रहे हैं। कल हम लोग इन चारों व्यवस्था के अलावा और क्या बचा उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और सेशन को कंक्लूड करते हुए फिर हम आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन सुनना चाहेंगे आप सुन के। तो इतना ठीक है कुमार भैया। हाँ ठीक है भैया जी जी, तो कल हम लोग अस्तित्व की व्यवस्था पे बात करेंगे पहले सत्र में और फिर आप सबका मूल्यांकन लेंगे। सर मूल्यांकन आप सबका लेना चाहेंगे तो अभी फॉर्मली हम लोग क्लोज कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग 10-15 मिनट यहाँ बने हुए हैं, तो आपके अगर कोई भी प्रश्न या शेयरिंग या रिफ्लेक्शन है तो हम यहाँ पे उपस्थित हैं। फॉर्मली सेशन यहीं पे क्लोज हो रहा है। जी नमस्ते सभी को। जी कुमार, हम लोग उपलब्ध हैं। हम लोग उपलब्ध हैं जी। तो अभी जो भैया बात कर रहे थे मैं उस पर थोड़ा एक रिफ्लेक्शन देता हूँ। कौन भैया थे जो पेड़ के लिए कह रहे थे ना अभी? जी सतीश। तो देखिए एक स्थिति है कि हमने पेड़ लगाया और लोगों ने नासमझीवश काट दिया, दूसरा है कि हमने पेड़ लगाया उसको बचाने के लिए कोई मान्यता बनाई लोगों के अंदर जिससे पेड़ बचा रह गया, पर तो जो तीसरा एक विकल्प और भी हो सकता है कि लोगों के अंदर हमने समझ सुनिश्चित की जिससे पेड़ बना रहा
और लोगों ने खुद अपनी स्वीकृति से और भी पेड़ लगाए। तो कई बार मान्यता वश हम एक डिजायर्ड आउटकम तो ले आते हैं, परंतु मान्यता कई बार एक तो हमको निष्कर्ष देती है, एक तो तरीका उससे निकल के आता है, बट हो सकता है दो चार और समस्याएं पैदा कर दे। जैसे हमने मान्यता वश हो सकता है पेड़ को बचा लिया, परंतु यदि कोई उस पेड़ को काटने गया या कुछ क्षति पहुंचाया और समाज के दो गुटों में लड़ाई हो गया तो एक नई समस्या पैदा हो गई। तो ज्यादा अच्छा है कि लोगों के अंदर हम समझ विकसित करें, जिसे हम जो पेड़ लगा रहे हैं वो तो बने ही रहे, लोग भी अपनी स्वेच्छा से और पेड़ लगाएं, वो ज्यादा अच्छा कार्यक्रम बनेगा जी। अगर समझ वाले काम को किया जाए ना, उसका मल्टीप्लिकेशन भी ज्यादा है, प्रिजर्वेशन भी ज्यादा है जी। डॉक्टर प्रवीण जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं जी? जी जी, थैंक यू। जी प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया है। और किन्हीं कोई सर नमस्कार। सर नमस्ते। सर बस निवेदन कर रहा था कि सतीश जी ने जो बात कही है उसी बात से मुझे भी याद आया कि 2005 में गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने भी एक जो गमले में बरगद का छोटा सा नन्हा पौधा था, मैं जहाँ लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जाता था वहां पर सर के यहाँ था वो, तो सर से मैंने कहा कि सर ये इसकी प्रकृति में जी नहीं पा रहा है, मेरे ऑफिस में काफी जगह है तो मैं इसको वहां लगाना चाहता हूँ। तो बिल्कुल यही की यही बात हुई कि उसको फिर मैंने 2005 में ऑफिस में लगाया, और ऑफिस में लगाने के बाद उसको अलग अलग कारणों से 3 बार जगह बदलना पड़ी, कभी कुछ प्रोजेक्ट आ गया, कभी वहां कुछ किसने पाइपलाइन खोद दी, तो उस चक्कर में 3 बार बदलने के बाद फिर भी चूंकि वो सर का दिया हुआ पौधा था तो उस पर जाली वगैरह बांधते हुए पूरी केयर करते हुए उसको इस सुरक्षा दी, और सुरक्षा देते हुए आज वो लगभग 4 मंजिल से ऊंचा अधिक बढ़ गया है और काफी घना हरा हो गया है। तो उसमें जो अभी आपने बात कही कि सतीश जी ने जैसे कहा कि उन्होंने शिव जी की पिंडी बिठाई थी, ऐसा मुझे कई लोगों ने कहा उस समय ऑफिस में कि इसके नीचे भी कोई धार्मिक स्थल बना देते हैं, तो और इसके लिए एक बार तो मैंने सहमति भी दे दी थी, लेकिन न जाने क्या हुआ कि फिर बोला कि नहीं, ये अगर कोई किसी भी प्रकार से कोई शिव जी या भैरू महाराज बिठा दिए तो फिर वो जो एक पर्यावरण का जो संदेश है, ये पर्यावरण संरक्षण का या पौधा लगाने का या उस पौधे से पेड़ बनाने की जो एक अपने अंदर का विल पावर है, वो एक संदेश नहीं जा पाएगा। तो आज वही बात हुई कि सर आज उसको जब 4 मंजिल से अधिक ऊंचा हो गया है तो मैं देखता हूँ कि मेरे ऑफिस में आज की तारीख में उसके बाद कम से कम 40 पौधे जो पेड़ बन चुके हैं सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात। ये उसी से प्रेरणा लेकर हुआ। 2005 के पहले वहां पर सिर्फ प्राकृतिक रूप से कुछ पौधे थे, जो वो भी जिसको हम गाजर घास या बबूल के कांटे वगैरह कहते हैं, जिसको हम झाड़ी कहते हैं। उसके बाद सर ऐसा हुआ वहां पर कि कम से कम आज 6 से 7 तो जामफल के हैं, 4-5 जामुन के हैं, और 3-4 तो त्रिवेणी है, मतलब नीम पीपल और बरगद की। तो अच्छा। मैं खुद देखता हूँ तो आज उस हरे भरे माहौल को देख के जो प्रेरणा मिलती है कि यार कहीं से भी शुरुआत हुई हो, लेकिन वो उसका नाम भी मैंने दे रखा है, उसका मेरे सर तो अब नहीं रहे जिन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, पर उस पौधे का नाम मैंने फिर निगम वटवृक्ष रख दिया था सर, क्योंकि निगम साहब ने मुझे दिया था। तो अच्छा। उसका नाम जब सर उस पौधे का निगम वटवृक्ष नाम रखने से ये फायदा मिला कि वो एक हम सभी के लिए प्रेरणा पुंज हो गया सर, कहीं ना कहीं हमको उससे ऊर्जा मिलती है। तो मेरा संदेश भी यही था इस बात को बताने का कि हम उसको धार्मिक मान्यता न देते हुए हम पर्यावरण के प्रति जागरूकता का भी परिचय दें, और हो सके तो परिवार के किसी सदस्य का नाम दे दें, किसी स्थान का नाम दे दें, तो उससे क्या हमारी भावनाएं बहुत तेजी से उससे चिपकती है, हम कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते हैं इन बातों से और उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ ख्याल रख पाते हैं। तो और अगर अनुमति भी देंगे तो मैंने अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही उसका एक वीडियो बनाया था 15 सेकंड का, तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसके हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें शेयर कर सकता हूँ सर। हाँ कर दीजिए, सब लोग देखेंगे, अच्छी बात है। हाँ सिर्फ 15 सेकंड का है, लेकिन है बड़ा खूबसूरत, तो मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ सर उससे,
तो बिल्कुल उसको ग्रुप में शेयर करूंगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नितिन जी ने हैंड रेज किया। जी नमस्ते भैया। एक्चुअली मैं शेयर करना चाहता हूँ, हम अभी 10 ईयर्स से मेडिटेशन कर रहे हैं और अभी ढाई वर्ष से आनंद विभाग से जुड़े हुए हैं। तो अभी एक नया इनिशिएटिव हुआ है जिसमें लगभग 2200 एकड़ में 4 लाख पेड़ लगाए गए हैं। अच्छा। और उसमें हाँ जी जी और वो 4 लाख पेड़ लग चुके हैं और अभी 4 लाख और लगने की योजना है। अच्छा अच्छा। मतलब इतना उसका वीडियो भी हमारे पास में है, उसमें हमारी भी सहभागिता है। हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, तो उसका इनिशिएटिव है और उसमें जो पेड़ लगाता है उसका नाम भाई जो पेड़ लगता है था। अच्छा अच्छा। जैसे हमने अभी 5 पेड़ लगाए थे उसमें, तो हमारा नाम, हमारी मैसेज का नाम, एक माता जी के नाम पे, एक भाई के नाम पे, ऐसे 4-5 पेड़ लगाए हुए हो तो आपका नाम रहेगा और वो पेड़ हमेशा के लिए वहां रहेगा। आप जाइए एक साल, जब भी आप जाएं तो उस पेड़ को देखें, वो इतना बड़ा हो गया है और उस पेड़ के सामने बैठ के जब ध्यान करते हैं तो वो पेड़ भी चार्ज हो जाता है और उसको गले लगाने का मन करता है। तो बड़ा मतलब उसका एक आपको एक वो भी मिलता है, एक प्रमाण पत्र भी मिलता है जब आप उसको लगाते हैं तो ऑनलाइन आपकी उस पर आ जाएगा, मतलब मेल पे आ जाएगा कि आपने ये पेड़ लगाया है, उसकी फोटो समेत आपका उस पर आ जाता है। तो उसका भी वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ सबसे अच्छी बात ये है सर कि बिल्कुल सूखा स्थान था, वो बंजर जमीन थी, एक मतलब मुश्किल से 1-2% पेड़ थे वहां पे। आज इतना हरा हो गया है, केवल गिरनी के अलावा कुछ है ही नहीं वहां पे, और विश्व के सभी प्रकार के पेड़ वहां पे लगे हुए हैं। आप यहाँ से आम ले जाइए, आप आम लगा सकते हैं, जिस देश की जो भी प्रजाति का पेड़ वहां हो सकता है उस एटमोस्फेयर में, वहां पे आप रोप सकते हैं उसको। तो वो मंगाते भी हैं कि आपके यहाँ कोई ऐसी प्रजाति है जो यहाँ नहीं है, आप लेके आइए, यहाँ रोपिए उसको, हम आपको गड्ढा करके देंगे, उसमें बाकायदा वो उसका संरक्षण करेंगे, पानी देंगे, और इस प्रकार से वहाँ बहुत बृहद मतलब वो कार्यक्रम चल रहा है पेड़ का। तो हैदराबाद जैसी जगह पे, छत्तीसगढ़ में आपके एमपीओ छत्तीसगढ़ में वाटरशेड का जो काम हुआ वो नेचर के लिए काफी एनरिचिंग रहा। जी जी, बहुत अच्छा काम हुआ है वो। तो एक बूढ़े आदमी की कहानी है सर, उस पर डली है यूट्यूब पे। थोड़ा सा मैं सर संक्षेप में लेता हूँ आपको और लोग शेयरिंग लेता हूँ। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अनीता जी ने बहुत देर से कोई बात नहीं कही है सर, एक मिनट में अनुमति चाहता हूँ, अगर वो वीडियो में डाल सकता हूँ साइट पे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक बार उसके लिए सत्य प्रकाश जी से बात कर लें और भी साथ जी, कोई अगर डालना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी और कोई कुछ शेयर करना चाहे? कमलेश तिवारी जी, मुकेश जी, प्रवीण जी। जी सर। जी नमस्ते, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? जी जी, कुछ अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। जी सर, जी सर, जी सर, मैं यही थोड़ा सा पर्यावरण के बारे में साथ में कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ संतकुंज आश्रम है और उसमें अपनी जो जिला आनंदम की टीम है, अपनी सतना में, मैं सतना से हूँ बेसिक, तो जिला जो आनंदम की जो टीम है पिछले 4 साल से कंटिन्यू और 40-45 पौधे लगाते हैं और वर्तमान में वहाँ पे 153 पौधे ऐसे हैं जो 12 से 15 फुट हो चुके हैं और जो 16-17 में लगाए थे वो इस बार जैसे आंवला के और अमरूद के और सीताफल के इसमें मैं फल आ गए, इस बार फल आए थे और सभी पौधे कंप्लीट तैयार हैं। उसमें मतलब गड्ढे की खुदाई से लेकर के मैं चीज एक बताना चाह रहा हूँ कि जब अपन आगे चलते हैं तो समाज के लोग कैसे अपने साथ में जुड़ के चलते हैं। हम लोगों ने 3-4 लोगों ने प्लानिंग की जो अपने आनंदम सहयोगी और सक्रिय आनंदक थे, आनंदम क्लब वाले थे, तो पौधा मैं लाया था, गड्ढा सब लोगों ने मिलकर खना था। उसमें मतलब अभी तक उसके फल लगने तक पूरी व्यवस्था अपनी टीम ही ने किया है, श्रमदान से लेकर के और उनके संरक्षण तक की, मतलब पौधा लाना, पानी की जरूरत पड़ी तो पाइप जहाँ से अपन पानी ला सकते थे तो पाइप अपन लोगों ने मिलके खरीदा और आज वो पौधा
दो साल के अंदर सभी फलने लगेंगे। फर्स्ट साल वाले इस बार फल भी आ गए हैं, तो 140-145 पौधे पूर्णतः तैयार हो गए हैं और अपने आनंदम की टीम के द्वारा ही उनका मतलब लगाना भी, लगाने के साथ साथ में हफ्ता 10 दिन में पानी देने जाना और वहीं आश्रम में गोबर की खाद थी तो गोबर की खाद वगैरह भी डालना। और आज कम से कम 20-22 लोग ऐसे हो गए हैं कि बस एक ग्रुप में मैसेज डाल देंगे कल 7 बजे चलना है, तो लगभग 60-70 लोग पहुंच जाते हैं, मतलब 8-10 लोग तो तब भी हो ही जाते हैं और सही टाइम पे पहुंच के 2 घंटे श्रमदान होता है। और काफी लोग उत्साहित भी होते हैं जब पौधे को देख करके और अपने उसको कि हमने अगर इतना पौधा रोपण होता कई बार और उसमें जीवित 2-4 भी नहीं रह पाते। और अपन लोगों के 98% पौधे पूर्णतः तैयार हैं। जी सर, जी जी, थैंक यू। तो बताएं सत्य प्रकाश भैया, बताएं फिर हम लोग आगे कैसे प्रोसीड करें, इसको सेशन को क्लोज किया जाए। हाँ, मुझे लगता है कि अब वो बात तो खत्म कर लेते हैं, कल के लिए बता ही दिया है। कल हम लोग 12 बजे से समापन सत्र रखे हैं, तो उस समापन सत्र के बाद फिर से जो हम शाम को मिले, तो जो भी हम लोगों ने इन पिछले 3-4 दिनों में सीखा समझा है, जो कुछ भी हम समझते हैं, वो सब सबको अपनी बारी बारी से अपना शेयरिंग करनी है, तो मूल तो इतना ही है। ठीक बात है, ठीक है, बहुत अच्छा, सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। कोई और कुछ शेयर करना चाहेंगे तो रख ले, अदरवाइज हम लोग आप क्लोज करते हैं। मोहित भैया, परीक्षित भैया, भैया कर सकते हैं अब तो क्लोज। प्रवीण कंगड़ारे जी भी दिख रहे हैं, प्रवीण भैया कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? शंभु जी, किसी फिल्म की बात करी थी आपने, वो क्या हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल होगी? जी, वो फिल्म तो वैसे लंबी है, 1 घंटे करीब। धीरेन्द्र भैया के पास वो फिल्म है, हो सकता है ड्राइव पे शेयर करें तो आप लोग को मिल जाएगा। वो करीब 1 घंटे की फिल्म है, एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ। तो मेल पर जी, इसमें धीरेन्द्र भैया बता सकते हैं कैसे वो शेयर करेंगे। जी भैया, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, बस आप बंद कर सकते हैं, कल फिर कर देंगे, क्योंकि काफी लोगों ने छोड़ भी दिया है अभी ये मीटिंग। जी ठीक है, हम लोग क्लोज करते हैं। भैया से आप संपर्क कर लें। जी भैया, मैं देखता हूँ भैया कैसे उसको डाल सकता हूँ, कोशिश करके डालता हूँ उसको कंप्रेस करके। जी ठीक है भैया, ठीक है, तो सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते, हम लोग कल फिर सुबह मिलते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते सभी को। जी सर, नमस्ते।